अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैर से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए थे सिटी सेंटर, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी क्योंकि वापस जाना है, अब थोड़े से दिन रह गए हैं। तो सोचा है कि छिछती उन जो कुछ रह गया है वो फटाफट ना ले लीजिए। तो ज़्यादा तो हमने पैकिंग शैकिंग कर ली है, बस कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी। तो आज बस शाम में, ये नज़दीक ही हमारे सिटी सेंटर, तो बस यहाँ का प्लान बन गया कि यहाँ चलते हैं। आ गड्डी वेखो, जी गड्डी खलोती हुई ना, ए तुहानू मिल सकती है। अगर तुसी इत्थे 200 दी शॉपिंग करो ना, तो यह तुहानू चांस मिलेगा कूपन पा के। ए नहीं कि 200 दी शॉपिंग की थी तो तुहानू गड्डी हाथ च फड़ा देंगे, लो भी लै जाओ। और यहाँ देखे मुझे ना ये निशात लेन का आउटफिट नज़र आया, तो यार यहाँ पर इनकी इतनी ज़बरदस्त कलेक्शन थी ना, ख़ासतौर पर मुझे जो इन्होंने हिजाब कैप पहनी हुई है ना, ए बड़ी सोहनिया लगन दियाँ सी। मैंने इनको जूम कर करके आपको दिखाया कि ये चेक करें, ये इस तरह जैसे जे पाकिस्तान पा लो ना तो कहेंगे हाँ जी छिले सिर बनने आया। तो लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे थे, एक न्यू मतलब के उन्होंने एक दिया हुआ था इधर के हिसाब से, अरब के हिसाब से यहाँ पे इस तरह हिजाब करती हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने ना ये ड्रेसिंग के साथ हिजाब कैप और आपको आइडियाज़ दिए हुए थे। यहाँ पर देखें बड़ी बड़ी ब्रांड्स की शॉप हैं, मैक्स है और दूसरे चीज़ें हैं। तो सुभान जो है ना यहाँ पे तंग कर रहा था कि इसने आइसक्रीम खानी है, इसका ये इक्को ही रंडी रोना होता जिथे तो जो इन वही होता, मैं आइसक्रीम खानी है। पता नहीं कितों इनू आइसक्रीम दे, पता नहीं इनू इंजे जी मैं जो आया ही ना दुनिया तो उदो आइसक्रीम ही खा के आया। अच्छा चलो एनीवेज आगे चलते हैं। तो ये देखें यहाँ पर वॉचेज़ हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, यहाँ पर चीज़ें हैं। हमने जाना था कारफोर, हम वो बस उसी की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ये जो आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड्स की चीज़ें हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे खाने की भी हैं, KFC और अलबेक, बड़े बड़े ब्रांड्स के यहाँ पे सारे फूड कोर्ट बना हुआ है। ये ज्वेलरी चेक करें आप, ये जो आ गई थी ना यहाँ पे बास्किन रॉबिंस, ये मेरी मोस्ट फेवरेट आइसक्रीम थी। मेरे हस्बैंड ने कहा खाने, मैं कहा पहले जो काम आए वो कर लीए, तो ऐ तो फिर बाद चो भी हों रहेगा, खावगी ज़रूर है, तुम माफ़ी नहीं हैगी। तो हम ये आ चुके थे कारफोर में, ये देखें यहाँ से अब हम अंदर एंटर होंगे। ज़्यादा सामान नहीं लेना था, बस कुछ चीज़ें कुछ ऐसी रह गई थी जो लेनी थी, तो बस सोचा फटाफट से यहाँ से चीज़ें लें, फिर आइसक्रीम भी तो खानी सी ना, तो बस ऐसी फिर जल्दी जल्दी जैसे जो जो लेना सी वो लिया। तो ये देखें यहाँ पे ना काफ़ी प्रमोशंस लगी हुई थी, ये हैंड वॉश की कलेक्शन है, यहाँ पर मैंने शैम्पूज लेने थे, ऐ लग गए मेरे शैम्पू, बस हमने यहाँ से उठाए शैम्पूज लिए और क्या लिया था अब मैं भूल गई हूँ। दरअसल ये वीडियो रात में बनाई थी तो वॉइस ओवर मैंने सुबह किया। अच्छा बहरहाल हमने यहाँ से चीज़ें वगैरह ली, ऐ देखो ऐ आ गया जो सेक्शन चॉकलेट वाला, देख रहे हो ना, इतने आ गए ना बच्चे की वड्डे की सारी गवाच जाते हैं, मैं और मेरे बच्चे तो यूं हो गए थे, बस यहाँ देख के चॉकलेट बंदा पागल हो जाता है। एन जिमें और चॉकलेट वाले सैक्शन च आके इंज हो जाते हैं जिमें अपने अम्मी अबू ने भी भूल जाते हैं कि ना लैने के नहीं, बस चॉकलेट के दीवाने बच्चे, खैर सारे ही होते हैं, मैं भी कभी थी, अब बस खाऊँ तो यही होता है कि वेट ना बढ़ जाए, इसे मैं ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाती, बस कभी कभी एवं चस्का पूरा करने वास्ते चख लीदा। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा वैरायटी थी चॉकलेट्स की, समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा थी, रेट बहुत हाई थे। हस्बैंड कह रहे थे कि पहले मैं लेके आता हूँ तो जो पैकेट पहले 17 दिरहम या 16 दिरहम का था ना, अब वो 25 दिरहम का मिल रहा है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया प्राइजेज़ में ना। तो बस यहाँ पर चेकिंग चल रही थी कि देखते हैं कोई लभ जाए कोई सस्ती जी तो चुक लीए। अच्छा यहाँ पे ना मुझे ट्विक्स नज़र आई थी, वो हमने ले ली थी, उसकी प्राइस बस ठीक ही थी, उसकी प्राइस इतनी कम भी नहीं थी लेकिन बाकियों से ठीक थी, वो मैंने 2 पैकेट ली। अच्छा यहाँ पे ना मुझे ये मेरी फेवरेट चॉकलेट फ्लेयर रोचर फाइलो गैलेक्सी और पता नहीं कौन कौन सी नज़र आ गई थी, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा आई थी। बस हम फिर आ गए थे यहाँ पे, वहाँ पे कुछ हमने जो लेना था लेके ये दोबारा बास्किन रॉबिंस पे आ गए थे। बास्किन रॉबिंस पे यार ये केक चेक करें, इनके इतने प्यारे इतने मज़े के लग रहे थे ना केक, लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कि बास्किन रॉबिंस एक ब्रांड है और इसकी आइसक्रीम बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसका एक स्कूप ही आपको पता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे फिर बच्चों ने अपने अपने फ्लेवर सेलेक्ट किए, फिर मैंने भी अपना सेलेक्ट किया, अभी ने भी, और सब ने अपनी आइसक्रीम ली, लेकिन आप यकीन माने इनकी आइसक्रीम इनके फ्लेवर इतने मज़े के हैं ना,
सच में मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बास्किन रॉबिंस की, और जब भी मैं आती ना ज़्यादा तो नहीं खाती क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत है, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर खा के जाती हूँ। तो ये आज फिर हमने यही प्लान था कि मैकडोनल्ड की नहीं, आज ये बास्किन रॉबिंस की आइसक्रीम खाएंगे। यहाँ पे सबने अपने अपने फ्लेवर्स मंगवाए, बनी ने और जोई ने कॉटन कैंडी मंगवाया, मुझे अपनी आइसक्रीम का फ्लेवर भूल गया कौन सा था, लेकिन बहुत ही मज़े का था ये मेरा। और एक एक स्कूप ही ऑर्डर किया था क्योंकि इनका एक स्कूप ही काफ़ी बड़ा होता है कि जो खा के ना बंदा एन सही रज जाता है। कि पहले मैंने बोला 2 स्कूप, लेकिन फिर बाद में कहा नहीं एक मंगवाता है खाया करो ठीक, लेकिन एक खा के ही हमारा पेट भर गया। मेरे हस्बैंड ने चीज़ का एक फ्लेवर मंगवाया था, ये भी बहुत ही मज़े का था। तो बस फिर हमने यहाँ पर आइसक्रीम खाई और बच्चों ने भी इंजॉय किया, मैंने बहुत इंजॉय किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अपने हबी को मैंने दुआएं दी जो हमें इतनी मौजें करवाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, कुछ पूछना या कहना हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।